भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली का अपमान किसने किया? आई लव विराट कोहली, उसके बारे में जो कुछ कहेगा मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। विराट कोहली के जैसा ना क्रिकेटर जन्म लिया है ना लेगा। किसी बाहर वाले की हिम्मत नहीं होनी चाहिए हाथ उठाने की, हाथ मरोड़ने की। हमारे क्रिकेटरों का अपमान करना आज का एक चलन हो गया है, और वो कौन कर रहा है आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये शख्स, मैं कुछ चीजों को दिखाना चाहूंगी। ये आप देखिए, इनका नाम है नजमुल हक नवीन। ये देख सकते हैं, हमारे क्रिकेटर का अपमान किसने किया? आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, क्योंकि आपसे ही मुझे पता चलेगी किसने अपमान किया। भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली का अपमान किसने किया, किसके कारण और किसके कारण हुआ? बिल्कुल, विराट कोहली और गौतम गंभीर में लड़ाई हुई तो किसके कारण हुई? अफगानिस्तान के क्रिकेटर की वजह से। और इसी बात पर फोकस कर रही हैं हमारी मैडम बबीता मिश्रा जी, और ये बहुत दुखी हैं कि अपने देश के महानतम क्रिकेटर का अपमान हुआ और हमारे देश की बदनामी हुई। ये शख्स आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथ पकड़ के जैसे मरोड़ रहा है, उसका बस चले तो विराट कोहली को वहीं मारे। ये अफगानिस्तान का वो क्रिकेटर है जो हमारे भारत में आके खेलता है और हमारे ही क्रिकेटर को अपमान भी करता है, लड़ाता है दूसरे को और एक दूसरे को लड़ाता है। कभी आपने देखा था कि अंग्रेज ने हमें और आपको लड़ा करके बहुत दिनों तक राज्य किया था, शासन की थी? कोहली के जैसा, विराट कोहली के जैसा क्रिकेटर ना तो अभी तक जन्म लिया है और ना लेगा, क्योंकि अगर तेंदुलकर के बाद किसी की बारी आती है वो है विराट कोहली का। बिल्कुल, और मैं उसकी सबसे बड़ी फैन हूं, लाखों फैन फॉलोवर्स होंगे उनके, जो एक मुस्कुराहट में देख करके वो हार जाए या जीत जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। आप लोग अपनी कमेंट को हम तक जरूर शेयर करें, क्या ये सही है अफगानिस्तान के खिलाड़ी यहां आते हैं कमाते हैं और फिर हमारे ही महान खिलाड़ी का अपमान कर देते हैं और लड़ा भी देते हैं? किसके साथ? गौतम गंभीर के साथ, क्योंकि उनको पता होता है कि गौतम गंभीर जो है पहले से एक दूसरे की नहीं बनती, आपस में टशन रहती है। तो खेल को खेल रहने दो ना, खेल को खेल ही रखिए ना। गौतम गंभीर जी, आप भी क्रिकेटर हैं, आपने भी बहुत योगदान दिए हैं, आप नेता भी बने हैं, तो सब जगह पॉलिटिक्स अच्छी नहीं होती है, आपकी भी गलती है। एक मैच में अगर हार होती है तो आप इस तरीके से करते हैं, क्या ये अच्छी चीज है? सही बात, क्या है? इस इशारे का क्या मतलब है? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? आरसीबी एक मैच से क्या हार गई? आपके तो दिल में कहीं ना कहीं खुशी महसूस हो गई, क्योंकि तसन था आपका विराट कोहली के लिए। बिल्कुल, और आपका जलन दिखता है। मैं आपको कहीं ना कहीं मैं गौतम गंभीर को भी बहुत पसंद करती थी, क्योंकि उसने वर्ल्ड कप में एक अच्छा रन बनाया था और कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप जीतने का जो सहयोग जो है वो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर भी है। और उस दिन से मैं गौतम गंभीर को पसंद करती थी जब वो 2011 का वर्ल्ड कप में अपना जोरों शोरों का दब दिखाए थे और उनके वजह से ही जीत मिली थी, समझना पड़ेगा। लेकिन ये कैसी जलन,
कैसी नेतागिरी कि आप पैसे से खेलते हैं आईपीएल, इंटरटेनमेंट की चीज है आईपीएल कौशिक जी, लेकिन बात आती है अपने देश के सम्मान की, अपने देश के सम्मान की। घर में अगर लड़ाई होती है तो चलता है, कोई बाहर वाला आकर के मजे ले रहा है। हक साहब, मैं तो उनका नाम भी लेना नहीं चाहती, अफगानिस्तान का एक खिलाड़ी जो हमारे ही पैसे से भारत में आके ऐसो आराम भी करता होगा, और वो हमारे ही क्रिकेटर, हमारे ही खिलाड़ियों को मना देता है, हमारे ही क्रिकेटर का सम्मान को धूल में मिलाने का काम करता है, हाथ मरोड़ देता है। समझने की बात, आपको किसने हक दिया? आप हार गए थे तो आपसे हाथ ही तो मिलाया था, खेल को खेल ही रहने देनी चाहिए थी। अमित झाजी कुछ कह रहे, अफगानिस्तान प्लेयर को पता नहीं कि विराट है अगले मैच में, इनको बोलिए। जी, उनका नाम है नबील उल हक, शायद नाम लेने की भी जरूरत मुझे पड़ गई, क्योंकि आप तक आप सोचेंगे कि भाई मैं किसके बारे में कह रही हूँ, क्रिकेटर तो बहुत हो गए, लेकिन ये शख्स को देखिए, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये नबील उल हक किस तरीके से विराट कोहली का हाथ, जबकि विराट कोहली उससे अच्छे से बात करने के लिए हाथ मिलाता है, और ये क्या करता है, ये बदतमीज क्रिकेटर क्या करता है, बदतमीज ये करता है कि हमारे भारतीय क्रिकेटर का अपमान करता है, उसका हाथ मरोड़ता है, और विराट कोहली फिर भी कुछ नहीं कहते, इसकी गलती नहीं। लेकिन बता दे मैडम कि अगले मैच में फिर से मुलाकात होगी विराट कोहली से, तो फिर संभाल सकते हैं क्या विराट कोहली का, विराट जो कलेजा है उसको आप झेल नहीं पाएंगे? मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, मैं हम लोग भी मैच देखते हैं, हम लोग भी आपस में बोलते हैं आज कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मैं हर क्रिकेटर को पसंद करती हूँ, चाहे वो धोनी हो चाहे वो विराट कोहली हो, लेकिन विराट कोहली हमारे दिल में एक अलग ही मुकाम बना के रखा हुआ है, क्योंकि उसकी जो कतारें हैं सेंचुरी की, कहीं ना कहीं जब वो उतरता है उसका एक स्माइल इतना अच्छा होता है, उसके अंदर का जज्बा, एक लगता है कि वो जीत जाएगा, लेकिन वो खेल का मतलब ही होता है, कोई हारता है कोई जीतता है। लेकिन मैंने एक मैच देखी थी कुछ दिन पहले, उसमें क्या था कि गौतम गंभीर, आप जीतते हैं जिस तरीके से, आपका नाम है गंभीर तो आपको गंभीर होना चाहिए था, लेकिन आपने, आपकी हरकतें देख के ऐसी लगी कि आप कहीं ना कहीं विराट कोहली से जलते हैं, नेतागिरी करते हैं, और आपने क्या किया गौतम गंभीर जी, विराट कोहली की तरफ ऐसे करी, ये क्या तरीका है इस तरीके से? तो क्या उस दिन उसके दिल पे क्या बीत रहा होगा, सोचने वाली बात है। गौतम गंभीर जी, विराट कोहली सही में क्यूट है, कहीं ना कहीं वो उस दिन इस बात को नहीं लगाया, जिस तरीके से आप एकदम आओ ना ताओ देखे, आपको लगा कि भाई पाकिस्तान के, सॉरी अफगानिस्तान के किसी क्रिकेटर का ऐसा, अभी हम मौका का बदला ले लेते हैं, और फिर आपने क्या किया, वही किया जो वो चाहता था अफगानिस्तान का क्रिकेटर, आपने दिखाया कि हम तो आपको यही मार देंगे, आपका बस चलता तो आप कहीं ना कहीं उसको मार देते, बीच बचाव हुई, और कहीं ना कहीं बीसीसीआई को इस पे ध्यान देने की जरूरत है, खेल को खेल रहने दीजिए, हमारे क्रिकेटरों का सम्मान कीजिए, बाहर के लोगों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए लड़ना बुरी बात है। हमारे दिल में बैठते हैं, हमारे देश की धड़कन है, सभी लोग विराट कोहली को पसंद करते हैं, आप नेता जरूर है, आप क्रिकेटर जरूर है, ये पैसे से खेलने की चीज है, ये जो आईपीएल है ये पैसे का खेल है, और इसमें हम लोग इंटरटेनमेंट ही करते हैं, यहाँ कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान बांग्लादेश इंग्लैंड का मैच नहीं हो रहा था जो जी जान लगा के हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये हम जानते हैं कि ये खेल है, और यहाँ पैसों से खिलाड़ी
को खरीदा जाता है और फिर हम लोग इंटरटेनमेंट के तहत देखते भी हैं। तो हमारे उसमें जो खिलाड़ी होते हैं हम उनका हमेशा से सम्मान करते हैं, चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारे विराट कोहली का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे निश्चित तौर पे। और गौतम गंभीर जी, आप भी एक खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी का हृदय रखते हैं, तो आपस में मिलकर के रखिए और एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखिए। मैं गौतम गंभीर जी से कहती हूँ कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ, करती थी, लेकिन आपकी इन हरकतों ने आपको कमतर किया, कम कर दिया। बिल्कुल, आपका सम्मान कहीं ना कहीं खोने के कगार पे होगा, क्योंकि आप बड़े हैं उसके सामने, उम्र में भी बड़े होंगे, कहीं ना कहीं समझ में भी बड़े होंगे। आपने क्या किया, आप आकर के किसी के बातों पे आकर के आपने हाथापाई करने की कोशिश की, ये सही नहीं है। खेल को खेल रहने दीजिए। जब हम आपकी तारीफ करें तब समझिए कि आपकी तारीफ हो रही है, जब हम आपकी तारीफ ना करें, आपकी गलती ढूंढे, तो इसका मतलब है कि आप गलत हैं। समझने की जरूरत है। आप खेल को खेल, आप उस दिन ऐसे नहीं करते तो शायद आज विराट कोहली भी ऐसे नहीं करते। और ये जलन कम कर दीजिए, जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, हंस के रहिए, खुशी से रहिए, आपस में मिल के रहिए, ये हमारा भारत है, और दूसरे को मौका ना दे। खुद के सम्मान के साथ देश के सम्मान का ख्याल रखिए। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब हमारे क्रिकेटरों का अपमान होता है, और आई लव विराट कोहली, उसके बारे में जो कुछ कहेगा मैं उसकी आंखें नोच लूंगी, चिल्लाऊंगी। विराट कोहली के जैसा ना क्रिकेटर जन्म लिया है ना लेगा। हार भी जाए तो भी विराट कोहली, जीत भी जाए तो भी विराट कोहली। आई लव विराट कोहली। देश की शान है, हमारे देश का मान है। खेलने जाता है तो दिल में रहता है कि जीतेगा, रन बनाएगा, बनाए चाहे ना बनाए। सबका दिन एक समान नहीं होता, कोई हारता है कोई जीतता है, और हम उसकी तुलना ये ना कहें कि वो खेल नहीं सकता। वो खेल सकता है, वो जीत भी सकता है, वो रन भी बना सकता है। तो बस किसी बाहर वाले की हिम्मत नहीं होनी चाहिए हाथ उठाने की, हाथ मरोड़ने की। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।